आज आपका जीत हुआ, क्या बोलेंगे? हम सबसे पहले तो हम वर्धमान दुर्गापुर के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है, सबसे पहले उनका आभार, साधुवाद, शुभेच्छा, उनका धन्यवाद करेंगे। हमारे कर्मी, तृणमूल के कर्मी दिन रात एक किए, हम लोगों ने 2 महीने तक लगातार कार्यक्रम किया और वो गांव देहात में, वार्ड में हमारा कर्मी, जिसको हम लोग जानते भी नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उन लोगों ने मेहनत की है, तो उन सबों को मेरी तरफ से उन सबों को प्रणाम है, नमन है, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट, वर्धमान पूर्वों का डिस्ट्रिक्ट, हमारे वर्धमान पश्चिम का डिस्ट्रिक्ट, जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया, सभी लोगों ने मिल करके जो मेहनत की, और हम तो ये मानते हैं कि अगर ऊपर माँ काली हैं तो पश्चिम बंगाल में दीदी हैं, ममता बंदोपाध्याय हैं। और यह एक चीज़ तो सत्य हो गई कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मोदी ने बहुत चढ़ाने का प्रयास किया, मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को बदनाम किया, मोदी के लोगों ने और मोदी ने मिलकर के दीदी को बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग भद्र लोग हैं। दीदी ने जो अच्छे अच्छे कार्य यहाँ के लोगों के लिए किए हैं, उसको देखते हुए, मोदी की नाकामी को देखते हुए, दीदी के काम को देखते हुए, आज आप यह देख रहे हैं कि प्रचंड जीत पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हो रही है। तो उसके लिए हमारी दीदी, हमारे कर्मी और जिन लोगों ने वोट दिया वो, और हमारे संगठन को देख रहे हैं हमारे नौजवान युवा दमदार अभिषेक बंदोपाध्याय, जिन्होंने हमारे संगठन को बहुत अच्छी तरह से देखा है, कार्यक्रम किए, इन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो दायित्व मुझे दिया गया है, हम अपनी ओर से लोगों के साथ 5 साल मिल करके जो प्रेम हमें लोगों ने दिया, उस प्रेम को वापस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमको लोग जानते थे कि हम एक खिलाड़ी हैं, हमने विश्व कप 1983 में जीता था, हमको एक खिलाड़ी के रूप में जानते थे, लेकिन एक समाज सेवी के रूप में इतना अधिक लोगों को नहीं मालूम था। हालांकि हम 3 बार सांसद पहले रह चुके हैं, 1 बार विधायक हैं, तो हम लोगों के लिए अजनबी थे, लेकिन सब लोगों ने यहाँ पर इतने प्रेम से हमको अपने भाई की तरह, अपने चाचा की तरह, अपने बेटे की तरह लिया, इतना प्रेम हमको दिया, हमारे पास शब्द नहीं है। हम अपनी ओर से जितना भी होगा हम पूरी मेहनत करेंगे, हम दीदी को, हम तृणमूल के अपने कर्मियों को, अपने अधिकारियों को किसी तरीके से भी कभी ऐसा अवसर नहीं देंगे कि वो हमसे नाराज हों। देखिए, दीदी का लक्ष्मी भंडार केवल एक ही नहीं है, वो तो है ही, लेकिन दीदी का एक शिशु का, बच्चे का जब जन्म होता है, तब से लेकर इंसान को जो अंतिम स्मशान में ले जाते हैं, उस तक का दीदी का योजना है, जिसमें सभी जितने भी लोग हैं, विशेष करके जो गरीब तबके के लोग हैं, विशेष करके वो लोग जो जिनके पास में इतना होता नहीं है कि वो कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकें या वृद्ध के लिए उनके खत्म हो जाने के बाद करें, वो सभी योजना दीदी ने किया है, जो एक अच्छे किसी भी राजनेता को करना चाहिए। और दीदी मेरे लिए एक भावना है, दीदी एक पंथ है, केवल नेता नहीं है, और हमको ये पूरा भरोसा है कि जो आज दीदी कर रही है वो कल हिंदुस्तान के बाकी मुख्यमंत्री लोग करेंगे। हमारे पास यहाँ अनेकों ऐसे काम है, सबसे पहला तो ये है कि हमारा वर्धमान, दुर्गापुर और पश्चिम बंगाल का विकास केंद्र सरकार के द्वारा बाधित किया गया है। 1,64,000 करोड़ रुपया जो बंगाल के हक का पैसा है, जो बंगाल के लोगों ने कर के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में दिया है, GST के रूप में दिया है, डायरेक्ट टैक्स में दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स में दिया है, कॉरपोरेट टैक्स में दिया है, वह पैसा 1,64,000 करोड़ रुपया है जो नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। सबसे पहला कि वो पैसा आए, जिससे कि हम पश्चिम बंगाल के अपने लोगों के लिए यहाँ पर उस पैसे का सदुपयोग कर सकें और उसको विकास जो दीदी ने इतना बढ़िया किया उसको और आगे बढ़ा सकें। वर्धमान में जहाँ तक देखेंगे, वर्धमान में ऐसी कई चीज़, 2 चीज़ें हमारे नज़र में सीधी आती हैं कि केंद्र सरकार के NH पर एक रेलवे लाइन जा रहा है, वहाँ पर एक ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता है, उसके कारण से जाम घंटों भर तक लगता है, उसको आगे न तो यहाँ के पहले जो सांसद थे आलूवालिया साहब, उन्होंने बढ़ाया, हमारा रहे उद्देश्य रहेगा उसको करेंगे। हमारे पास एक स्टेडियम है, उसको देखना है। दुर्गापुर की तरफ में ऐसे बहुत सारे केंद्र सरकार के संयंत्र हैं जो चल नहीं रहे हैं,
चल रहे हैं, तो वहां पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए आगे काम बहुत कुछ करने को, लक्ष्य है हमारे सामने में, उस लक्ष्य को पाना अपने कर्मियों के साथ हमारा उद्देश्य रहेगा। आपको देखिए, आलूवालिया जी दार्जिलिंग में एमपी थे, फिर वो आ गए वर्धमान दुर्गापुर में, फिर वो चले गए आसनसोल में। हम तीन बार एक ही जगह के एमपी रहे, कहीं गए नहीं, और वो इसलिए रहे क्योंकि हम काम करते हैं। और हम जिससे भी रहते, एक बार आप सांसद बन गए तो आप सांसद बन गए, तो जिससे भी थे हम रहे। हमको दीदी भेजी, हम ये भी जानते हैं कि जो आदमी काम नहीं करता उसको फिर अगली बार चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता है। तो हम एक कर्मठ व्यक्ति हैं, क्रिकेट खेले, हमारे लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म रखता है, और उसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।